हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञानिक स्पी तो आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस चैप्टर नंबर थ्री वर्ड प्रोसेसिंग पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज के सभी क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस राइटर पर बेस्ड होंगे और अगले ऑनलाइन टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे एम वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन और आप सभी लोग इन क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगर आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन नाम की प्ले लिस्ट है जहां से आप प्रीवियस सभी ऑनलाइन टेस्ट के वीडियो देख सकते हैं ओके तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था और यह सरीज यूपीपीसी टीजी टू और ट्रिपल सी दोनों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको फॉलो करते रहिए बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो अब आइए देखें अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है एप्पल ऑफिस वर्ड स्टार या फिर एप्पल राइटर या फिर आई वर्क जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा एप्पल कंपनी द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया ऑफिस सूट है जिसको हम बोलते हैं एमएस ऑफिस और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई वर्क नाम से एप्पल कंपनी ने ऑफिस सूट नाम के एप्लीकेशन को डेवलप किया है और अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस का पहला संस्करण मींस वर्जन कब जारी किया गया था तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए e, 1990 में एमएस ऑफिस का पहला वर्जन जारी किया गया था और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट एप्लीकेशन है जिसमें कई अलग अलग तरह के पैकेज होते हैं जैसे कि राइटर कैल इम्प्रेस ड्रॉ मैथ इस तरह के कई सारे पैकेज होते हैं जैसे कि एम एस ऑफिस के अंदर एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं उसी तरह से सेम लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर कैल कैम्प्रेस जैसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक ऑफिस सूट है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2011 में सबसे पहला लिब्रे ऑफिस का वर्जन या संस्करण लॉन्च किया गया था तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट शैली मीनस फॉन्ट स्टाइल नहीं है सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड इटैलिक सुपर स्क्रिप्ट या फिर रेगुलर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर स्क्रिप्ट जो कि फॉन्ट शैली नहीं है अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट क्या होता है तो ये होता है फॉन्ट इफेक्ट इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अगला क्वेश्चन है ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अगर आपने अभी तक ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है जहाँ से आप पूरा नया सिलेबस कंप्लीट तैयार कर सकते हैं इसमें टोटल फिफ्टी सेवन वीडियोज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है तो आप यहां से सिलेबस कंप्लीट करिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिब्रेशन सेरिफ नाम का जो फॉन्ट होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हम फाइंड कमांड का उपयोग करके खोज कर सकते हैं जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा हम फाइंड कमांड का उपयोग करके खोज कर सकते हैं कैरेक्टर्स फॉर्मेट सिंबल या फिर ऊपर के सभी और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञान पे विजिट कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या ऊपर के सभी इन सभी को फाइंड कमांड का उपयोग करके सर्च किया जा सकता है कैरेक्टर्स फॉर्मेट सिंबल्स इन सभी को आप सर्च कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल प्लस एफ और अगला क्वेश्चन है लेब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है F12, ट्वेल्व F12 या फिर कंट्रोल प्लस एफ या फिर एफ एलेवन लिब्रे ऑफिस राइटर के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आप ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर Calc, कैल इन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने प्रैक्टिकल के साथ इन सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर Calc कैल के वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस नाम की प्ले को फॉलो कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व का इस्तेमाल किया जाता है लेब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफॉल्ट कितने रो और कितने कॉलम होते हैं तो डिफॉल्ट रूप से यहां पे दो कॉलम और दो रो होते हैं आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज भी कर सकते हैं तो अगला क्वेश्चन है ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी क्या है अगर आप ऑफिस राइटर में नई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एफ एलेवन का इस्तेमाल करते हैं नई स्टाइल क्रिएट करने के लिए स्टाइल कैसे क्रिएट की जाती है ऑफिस राइटर के वीडियोस में मैंने प्रैक्टिकली बताया है और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं अब यहां पे दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं और इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू लेकिन अगर यहां पे लिखा होता लिब्रे को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो इस okay, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ओके अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है जैसे नंबर्स बुलेट्स होते हैं इनको ऐड करना चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट पे तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे और आज के इस ऑनलाइन टेस्ट के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि कमेंट सेक्शन में पूछा गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका राइट right आंसर आपको नहीं पता या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस तरह के क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट करके भेज सकते हैं उस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपको मिल जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी सिफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व यह बुलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है लेकिन अगर यहां पे लिखा होता में करने की कुंजी क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाता बी एफ ट्वेल्व नंबर इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है एफ ट्वेल्व जबकि बुलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है सिफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या है जल्दी से बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है यह सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है जो लोग CCC या ट्रपल सीपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते रहिए यहां पे हम न्यू सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डी लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस डी होती है अगर यहां पे लिब्रे ऑफिस की जगह पे MS word लिखा होता तो यहां का राइट आंसर चेंज हो जाता क्योंकि यहाँ पे MS word में की की होती है, plus plus D, जबकि में की की है और अगला क्वेश्चन राइटर में एनविलअप विकल्प किस मेन्यू में होता है एनविलअप और लेबल कैसे क्रिएट किया जाता है इसको हमने प्रैक्टिकली बताया ऑफिस राइटर के वीडियोस में तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं यहां से अगर आप प्ले से इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा प्लस आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन डी इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है इनवेलब क्रिएट करने का ऑप्शन और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल 11 मेन्यूज होते हैं इसको आप यहां से देख लीजिए जैसे अगर हम राइटर ओपन करते हैं तो आप देखिए यहां पे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल टेबल फॉर्म टूल्स विंडोज और हेल्प यहां पे टोटल एलेवन मेन्यूज होते हैं ओके तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू के अंदर होता है तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है अगर आप यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कमेंट ऐड करने का कमेंट क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में जितने भी मेन्यूज के ऑप्शन हैं सभी मेन्यूज़ के ऑप्शन मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर की वीडियोज में डिस्कस किए हैं तो यहां से आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी ओके तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में में किस मेन्यू फुट नोट नोट और एंड पाया जाता है अब देखिए फुट नोट और एंड नोट क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए फुट नोट जो कि हर एक पेज के लास्ट में ऐड होता है जबकि एंड नोट की बात करें तो जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसमें सबसे लास्ट पेज पे ऐड किया जाता है अगर आप कोई फाइल बनाते हैं मल्टीपल पेजेस हैं, तो इन नोट हमेशा आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे ऐड किया जाता है जबकि फुट नोट की बात करें तो ये हर एक पेज के लास्ट में ऐड होता है तो ये होता है फुट नोट और इन नोट के बीच में एक डिफरेंस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है फुट नोट और इन नोट ऐड करने का ऑप्शन तो आप यहां पे जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में इनसेट मेन्यू पे जाएंगे आप यहां से देख सकते हैं फुट नोट और इन नोट ऐड करने का एक ऑप्शन मिलता है यहां से आप फुट नोट और इन नोट को ऐड कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है यहां पे एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहां पे होना चाहिए रूलर तो रूलर क्या होता है इसको हम पहले देख लेते हैं जैसे अगर आप यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं तो ये देखिए ये सेक्शन हमारा होता है रूलर इसमें हम इंडेंट को अलाइन करते हैं इस रूलर के माध्यम से मींस आप अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स या पेज का सेटअप यहां से कर सकते हैं होता है रूलर इसको हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है जल्दी से बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस प्लस आर रूलर को हाइड या अनहाइड करने की शॉर्टकट की होती है और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है तो अगर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें आप वर्ड काउंट करना चाहते हैं कि टोटल कितने वर्ड्स का हमारा डॉक्यूमेंट है तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है टूल्स मेन्यू के अंदर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टूल्स अगर आप राइटर यहाँ पे ओपन करेंगे यहां पे देखिए टूल्स एक मेन्यू है और इसी में आपको मिल जाएगा वर्ड काउंट का ऑप्शन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड नहीं है तो यहां पे आपको सारी चीजें जीरो जीरो दिखेंगी ओके okay, तो आप आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है आप सभी लोग सिलेबस जरूर कंप्लीट करें आप घर बैठे आराम से ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप यू पी पी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको सबसे पहले ट्रिपल सी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक से पूछे जाते हैं तो इसीलिए आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे लेकिन अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो उस केस में आप आंसर्स नहीं दे पाएंगे तो इसी वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे ट्रिपल सी सीनियर सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्ले है और इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली उस प्ले को फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ से सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्लस पी लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी है अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस से प्लस बी और अगर यहां पे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस से प्लस 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 और इसी तरह से एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल ओके तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है लेब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड में छोटे मोटे चेंजेस हैं जैसे कि शॉर्टकट की कई सारी चेंज हैं अलग अलग तरह की हैं लगभग काम करने का तरीका सेम ही होता है बस यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अलग है और दोनों वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाने जाते हैं कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड दोनों ही वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ओके okay, तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉट ओ टी टी एक्सटेंशन होता है ऑफिस राइटर की जो टेम्पलेट फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन होता है डॉट ओ टी टी और अगला क्वेश्चन है राइटर छवियों मीनस इमेज पर हाइपरलिंक का समर्थन नहीं करता है तो क्या राइटर में इंसर्ट की जाने वाली इमेजेस पे हाइपरलिंक अप्लाई नहीं किया जा सकता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स इमेज पर भी हाइपर लिंक अप्लाई किया जा सकता है आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं इमेज पे भी हाइपर लिंक अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर एम एस वर्ड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के और अगला क्वेश्चन है ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है यह भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्स हंड्रेड परसेंट अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिब्र ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या है जैसे यहां पे अधिकतम पूछा गया तो मिनिमम भी पूछा जा सकता है तो मिनिमम होता है ट्वेंटी परसेंट और मैक्सिमम होता है सिक्स हंड्रेड परसेंट ओके तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्ट्रेट इसी तरह से एम एस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट एक्सेल में भी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट और राइटर में भी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट और लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर पावर पॉइंट या इम्प्रेस की बात करें तो इन दोनों एप्लीकेशन में जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है होता है लैंडस्केप ओके okay, तो अब हम देखेंगे आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस क्या है वर्ड प्रोसेसर स्प्रेड सीट ऑफिस सूट या फिर ऑफिस सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और इस क्वेश्चन के जस्ट बाद हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में पूछा गया है एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा

फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है अगर हम इफ फंक्शन के सेंटेक्स की बात करें तो यहां पे होता है इफ और इसके बाद इस जगह पे होती है कंडीशन आप कोई भी कंडीशन देते हैं जैसे कि टू लेस देन सिक्स या फोर या इस तरीके से कोई भी कंडीशन आप इस जगह पे देते हैं फिर यहां पे कॉमा एक पहली वैल्यू होती है और दूसरी यहां पे कॉमा दूसरी वैल्यू होती है अब ये कैसे काम करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ट्रू होने का मतलब होता है वन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये आएगा और इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स होते तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा वो ये आएगा मीन सिक्स आएगा तो ये इस तरह से काम करता है अब बात आते इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा तो यहाँ पे देखिए ट्रू होने पे हमेशा वन होता है कंप्यूटर में ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब होता है जीरो तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है वन प्लस वन और यहाँ पे लिखा गया है टू प्लस टू और यहाँ पे लिखा गया थ्री प्लस थ्री अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे लिखिए एफ और इसके बाद ब्रैकेट में वन प्लस वन का मतलब हो जाएगा टू यहां पे टू प्लस टू का मतलब हो जाएगा फोर और यहां पे थ्री प्लस थ्री का मतलब हो जाएगा ओके ये हो गया अब देखिए पे क्या है कंडीशन है कंडीशन स्टेटमेंट का मतलब है यहां पे ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी आएगा ट्रू होगा तो वन होगा और फॉल्स होगा तो जीरो तो यहां पे वन या वन प्लस कोई भी नंबर तो अगर यहां पे जीरो नहीं है तो वो हमेशा ट्रू माना जाता है इवन यहाँ पे अगर आप निगेटिव नंबर्स भी इस्तेमाल करते हैं तब भी वो ट्रू माना जाता है अगर यहाँ पे जीरो होगा उस केस में ही ये फॉल्स माना जाएगा तो यहाँ पे क्या है टू है इट मीन्स ये ट्रू है कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा फोर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर तो अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपी बी सी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया है अब हम क्या करेंगे सेम इसी क्वेश्चन को यहां पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और एक्सेल में हमेशा जो फंक्शन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं इक्वल साइन से ओके okay, तो हम इसको किसी एक सेल में अप्लाई करते हैं तो ये मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया आप देख सकते हैं यहां पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है फोर तो यहां पे मैंने बताया था वन प्लस वन मींस टू आएगा और टू का मतलब होगा यहां पे ट्रू और अगर आप यहाँ पे जीरो रखते हैं तो उस केस में इसका रिजल्ट आएगा सिक्स तो एक बार हम यहाँ पे वन प्लस वन की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं यहाँ पे देखिए मैंने जीरो पुट कर दिया अभी क्या है जीरो कॉमा टू, प्लस टू कॉमा थ्री प्लस थ्री तो इस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्स आप देख सकते हैं यहां पे सिक्स आ रहा है लेकिन यहाँ पे जहां पे मैंने जीरो पुट किया है अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस फोर तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा फोर क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हमेशा ट्रू कंडीशन में मानी जाती है बस केवल एक ही ऐसी कंडीशन होती है जिसको फॉल्स माना जाते हैं वो होता है जीरो तो माइनस में कोई भी वैल्यू देते हैं जैसे कि माइनस सिक्स तो ये यह यहाँ पे क्या आएगा फोर आएगा इसका रिजल्ट ये आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे जीरो देंगे उस केस में आएगा सिक्स क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इवन आप यहां पे कोई भी पॉजिटिव नंबर या कोई भी निगेटिव नंबर देंगे जैसे कि हम यहाँ पे एट टाइप कर देते हैं तो उस केस में भी इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा वो फोर होगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कई अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है तो आप इसको देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे देखना है अगर जीरो आ रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे लास्ट वाला जो स्टेटमेंट होगा वो आएगा मीन्स ये हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा और अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू आती है तो उस केस में यहाँ पे जो लिखा होगा पहला स्टेटमेंट वो आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और इसी तरह का कोई क्वेश्चन जिसको आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कमेंट सेक्शन में करके भेज सकते हैं या फिर आप चाहें तो वे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं और ये कुछ ई e बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट अवेलेबल है आप चाहें तो इनको ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप लोग सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और साथ में हमारी वेबसाइट ज्ञान डॉट कॉम से प्रैक्टिस करते रहिए तो उम्मीद करते हैं आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इसके साथ साथ आप हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप फेसबुक इन सभी पे शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊं तो मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्ट में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग